জল খাও, তাই ছেড়ে জল খাও আগে। देखो हमने तुम्हारे लिए क्या क्या चीजें बनवाई है। तुम्हें हिंदुस्तान का पानी पीकर वहाँ के खाने की आदत पड़ गई होगी ना। देखो हमने तुम्हारे लिए हिंदुस्तानी चीजें बनवाई हैं। ये देखो पूरी, ये देखो रसगुल्ला, गुलाब जामुन, जलेबी, लड्डू, मोबाइल दिखाओ। क्या प्रॉब्लम है मेरे अंदर? पति ने नहीं, मेरा पति ने बाजार से मार्केट से मछली ले आया, तो मैं मछली को काट दूंगी। तो इतना बड़ा मछली मैं काटा नहीं, आप काटूंगी। तो काटा शुरू कर देता हूँ, जब बहुत छिकत होता है, काटने में बहुत दिक्कत होता है। मैं बोला था जो काटा के ले आओ, तो वीडियो के लिए नहीं काटा, जब वीडियो भी हो जाएगा, खाना भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो ये मछली खाने में कैसा लगता है, टेस्टी है क्या? बहुत दिनों से खाया नहीं। ये मछली में एक सुगंध आता है जो बहुत बुरा, इसमें गंध इतना अच्छा नहीं आता। जो सिर्फ मैं गलती से सुगंध बोल दिया, इसमें से बदबू आता है, जो बदबू नहीं आता अच्छे। एक ऐसा एक सवाल आता है जो मुझे अच्छी नहीं लगता है। तो दोस्तों ये भाजी खाने में अच्छा है, इसलिए मैं लाया भाजी बड़ा ये सब खाऊँगी, इसलिए मेरे पति से मंगाया जो बहुत। तो दोस्तों ये मछली भाजा खाने में टेस्टी है, तड़का खाने में भी टेस्टी नहीं है। इसलिए अगर घर में मंगाओगे सिर्फ भाजी खाना टेस्टी आएगा, तड़का खाने से टेस्टी नहीं है। तो अब टक लेता हूँ उसको, पीसेस कर लेता हूँ। सुना तो देखिए दोस्तों ये तो एकदम टकला है, टकला। तो टकला को काट लेता हूँ, कैसे काटूँ मुझे इश दोस्तों। तो अब इसको काट लेता हूँ, पीस कर लेता हूँ। कैसा पीस करूँ, बहुत शक्त है। ये तो चिकन का जैसा शक्त है, चिकन काटने में ज़्यादा दिक्कत होता है, ये मछली काटने में इतना दिक्कत होता है, इतना शक्त है। कैसे काट बटन के बाद इसको अलग किया, तो इसका अंदर जो मेरा लड़का बहुत सताता है, बहुत सता। तो देखिए दोस्तों ये मछली से तो लिवर निकला है, अंगश निकला है, जो चिकन में जो अंगश होता है ऐसा अंगश निकला है। देखिए देखा छोड़ दे। तो इसमें से एक पेटी निकला है, मैं इसको काट देता हूँ। पेटी का जैसा तो छोटा हो जाएगा, ज़्यादा बड़े से खाने में टेस्टी नहीं लगेगा। छोटा छोटा पीसेस कर लेता हूँ। देखिए देखिए कितना साइज में, इसके अंदर सिर्फ तेल और तेल और कुछ नहीं। काटने में बहुत दिक्कत हो रहा है मुझे। तो मेरा मांस तो पीस कर लिया जैसे तैसे करके करके, छोटा बड़ा जैसा पारा। तो किंतु लेकिन माता इतना ज़्यादा शक्त है, मैं कैसे काटू समझ में नहीं आ रहा है। देखिए मैं टुकड़ा टुकड़ा कर रहा, ये जो कान की अंश है मैं फेंक दूंगी, जिसमें बहुत माटी होता है, मिट्टी होता है। ये मछली शुद्ध मिट्टी खाता है, इसलिए मैं इसका भीतर का निकाल के फेंक दूंगी। तब हो गया मेरे मछली को काटा बाटा, धोआ बुआ नहीं, सरी सरी धोआ नहीं हुआ, फिर काटा हुआ। अब मैं चला जाऊंगी कुआं में, कुआं में जाके अच्छे से मछ को क्लीन करके धो के फ्रेश करके ले आऊँगा। तो इतना देर आप लोग मेरा वीडियो पे बनी रहे। तो मैं इसको क्लीन क्लीन करके ले आया, तो अब मैं इसको नमक डाल दूँगी, थोड़ा सा नमक ले लिया, इसके ऊपर डाल दूँगा। और मिर्ची गुड़ा, मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा हल्दी देख के सीधा पर रखो। तो ये हो गया हमारा मसाला देना रेडी। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, जो मछली बहुत फूटता है डस डस करके। तो देखिए मेरा
मैं दौड़ दे भागूंगी इधर से, नहीं तो फुट फुट के मेरे ऊपर आके गिर जाएगा। तो कढ़ाई देखिए अच्छे से गर्म हो गया है, मैं तेल कम दिया क्योंकि ये मछली से तेल निकलता है, इसलिए मैं तेल कम दिया, ज़्यादा नहीं दिया, यू ऐसे ही तो तेल निकलेगा। तब एक एक कर छाना शुरू कर देता है। तब ये मछली होगा बाजी, सारा सौ को छोड़ दे सकते। तो दोस्तों मछली तो भाजा हो गया, मैं बैठ गया सब्जी काटने में जो तरकारी बनाऊंगी। तो हमारे चैनल पे देखिए दोस्तों आलू पचा, सिर्फ पचा निकल रहा है, पचा निकल रहा है, एक काटा पहले पचा, अब भी पचा। तो हमारे चैनल पे नए होने से चैनल को सब्सक्राइब करना और सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करना। आप लोग तो सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगे, और भी सपोर्ट करना। जो मैं तो रोज रोज वीडियो दे रहा हूँ लेकिन मेरा वीडियो वायरल भी नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, तो इनकम भी नहीं है। तो मेरा मछली भाजा हो गया, तो ये देखिए हम अच्छे से भाजा कर लिया, अब लोग इसको उठा देंगे, पहले भी भाजा करके रखा था। देखिए तो सब हो गए भाजी, हम सबको निकाल देंगे एक एक करके। देखिए कम हो थोड़ा सा हो जाए। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करना, और आज का वीडियो इतना तक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छा लेके। तो टाटा दोस्तों।